हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनरल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान प्रदेश में कॉलेज विद्यार्थियों की एग्जाम कब तक होगी, इसको लेकर कॉलेज विद्यार्थियों का जो इंतजार है वो काफी लंबा होता नजर आ रहा है। काफी परेशान है सभी विद्यार्थी कि यहां पर जो राजस्थान विश्वविद्यालय है या राजस्थान प्रदेश के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, वो स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि उनकी एग्जाम वापस से कब तक हो सकती है। तो उनकी एग्जाम कब से होगी, इसको लेकर कोई भी अभी तक अपडेट नहीं आ रही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं चर्चा करने वाला हूं सभी कॉलेज एग्जाम को लेकर। तो पैसेंस बना के वीडियो का एंटर देखना है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, कोविड-19 के चलते कॉलेज की जो एग्जाम है वो स्थगित कर दी गई है। राज्य सरकार ने ही आपके कॉलेज की एग्जाम को पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर सभी कॉलेज में जितनी भी एग्जाम थी, जो अप्रैल के महीने में होने वाली थी, मई के महीने में स्टार्ट होने वाली थी, यूजी पीजी या अन्य कोई एग्जाम थी, उन सभी एग्जाम को स्थगित कर दिया अगले आदेश तक। अब यहां पर बताना चाहूंगा, कोविड की परिस्थितियां बहुत खराब चल रही हैं, रेगुलर केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए अब तक कोई भी विश्वविद्यालय ये स्पष्ट नहीं कर रहा है कि एग्जाम कब तक ली जाएगी। और ये एग्जाम कब तक ली जाएगी, इसके इंतजार में सभी विद्यार्थी अटके हुए हैं कि क्या पढ़े, क्या इस सत्र का पढ़े या अगले सत्र का पढ़े, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सभी विद्यार्थियों को। तो मैं विद्यार्थियों के हित में बोलना चाहूंगा कि यहां पर सभी बच्चे परेशान हैं कि कब तक उनकी एग्जाम होगी। और दूसरी तरफ राजस्थान विश्वविद्यालय या अन्य कोई भी विश्वविद्यालय क्लियर नहीं कर रहा है कि कब तक उनकी एग्जाम ले ली जाएगी, क्योंकि करीब एक महीना हो चुका है और अभी तक स्थिति क्लियर नहीं है कि कब तक एग्जाम करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं। एग्जाम को लेकर भी स्थिति क्लियर नहीं है, प्रमोशन को लेकर भी स्थिति क्लियर नहीं है। तो कब तक यह पता चलेगा कि हमारी एग्जाम कब तक होगी, विद्यार्थी परेशान है, बहुत हताश है, तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको टारगेट नहीं पता कि मैं कब तक पढ़ना है, हमें लास्ट सेशन का पढ़ें, अगले सेशन का पढ़ें। तो मतलब बहुत परेशान हो चुके हैं विद्यार्थी। ये जो अपडेट मैं आपको दे रहा हूं, ये अपडेट नवज्योति न्यूज़पेपर से मैंने ली है। आप सभी को पता है स्थितियां सामान्य नहीं है, पूरे राजस्थान प्रदेश में एग्जाम कैंसिल कर दी गई है, पोस्टपोन कर दी गई है। तो वापस से एग्जाम जल्दी से जल्दी हो, इसलिए मैं अपील करना चाहूंगा सभी प्रशासन से, राजस्थान विश्वविद्यालय से, एग्जाम को लेकर स्थिति क्लियर करो कि एग्जाम कराएंगे नहीं कराएंगे, जिससे कि बच्चे पढ़ पाए। ये अगर वीडियो आपको अच्छी, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।